खूबसूरत से दिखने वाली ये पृथ्वी न जाने अपने भीतर कितने सारे रहस्य छुपा के बैठी है। और साथ ही इन पृथ्वी पे कुछ ऐसे जानलेवा जगह है जहाँ पे इंसानों को जाना सख्त मना है। अगर वहाँ पे आप गए तो जिंदा आना नामुमकिन। तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका होस्ट और मैं आपके लिए क्या एक मज़ेदार सा वीडियो। इस दुनिया की सबसे खास 5 खतरनाक जगह है जहाँ पर जाना नामुमकिन है, और वहाँ से बच के आना तो और भी नामुमकिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गेट सेट फ्लाई नॉलेज, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के एक फेमस पॉन्ड के बारे में। जी हाँ, ब्लडी पॉन्ड। देखने में ये लाल कलर का पॉन्ड खून से भरा हुआ दिखता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर निकलने वाला पानी, साथ ही इससे निकलता हुआ धुआं, इस बात को दर्शाता है कि ये कितना ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो आपको बता दें कि इसका जो टेम्परेचर है वो 194 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। साथ ही इस झील के अंदर नमक और लोहे की मात्रा बहुत ही कम है। साथ ही इस पॉन्ड के अंदर तैरना, डूबना या कुछ भी करना सख्त मना है। ये मान लीजिए कि आप अपनी मौत को बुलावा देने से बढ़िया इसे दूर ही रहें। इसके बाद हम बात करेंगे वॉलकैनो की। जी हाँ, माउंट मेरापी वॉलकैनो। कहने को तो ये बहुत ही सिंपल साधन सा दिखने वाला है, मगर 2400 घंटे इसमें से निकलता हुआ धुआं इस बात को दर्शाता है कि अंदर कितनी गर्मी और कितना टेम्परेचर होगा। गलती से एक बार भी माउंट मेरापी का ये वॉलकैनो फट जाए तो लगभग लाखों लोगों की जान पर आफत बन बैठेगा। आपको बता दें कि माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थिर ये वॉलकैनो, इसके साथ ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ है उस एरिया में, लगभग 4 मील दूर। और आपको बता दें कि जब माउंट मेरापी का लावा निकलता है तो उसकी हाइट लगभग 2 मीटर ऊपर तरफ जाती है। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी वॉलकैनो के लगभग 4 मील दूर बसा एक शहर भगवान के भरोसे रह रहा है, क्योंकि ये वॉलकैनो कभी भी फट सकता है और उनकी जान को आफत ला सकता है। तो अब हम बात करेंगे इस विश्व की सबसे खतरनाक जगह जिसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम किया हुआ है अपने खतरनाक होने की वजह से। तो आज हम बात करेंगे रामरी जंगल के बारे में, जो कि पाया जाता है आइसलैंड में। यहाँ पर ये जंगल फेमस है अपने लिए और अपने यहाँ पर रहने वाले सांपों के लिए। आप मान भी नहीं सकते कि यहाँ पर इतने सांप रहते हैं, इतने सांप रहते हैं कि बस वहाँ पर जाना और वहाँ से जिंदा आना नामुमकिन है। वहाँ के एरिया के हर 10 मीटर पर लगभग 100-100 सांपों का गुच्छा मिलता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ब्राज़ील में लोगों के मरने की संख्या बढ़ने का कारण एक तरह से ये सांप है या फिर ये जंगल। ये भूखे सांप इस जंगल से निकल के आने के बाद ब्राज़ील के लोगों को काटते हैं और वहाँ पे अपना दबदबा कायम करते हैं। ब्रह्मा के थोड़ी ही दूरी पर नज़दीक एक खारे पानी की झील जो फेमस है अपने लिए और अपने मगरमच्छों के लिए। आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में ब्रिटिश के सैनिकों से बचने के लिए जापान के सैनिक जा छुप बैठे इस जंगल के अंदर। और आपको बता दें कि हजारों लाखों सिपाही लगभग इस जंगल के अंदर काफ़ी दिन तक रहे, मगर आपको जान के बहुत ही बड़ी हैरानगी होगी, उनमें से बचने वालों की संख्या लगभग 20 थी। जी हाँ, 20 सिपाही अपनी जान बचा करके उस जंगल से बाहर निकले, और उन जंगल का कारण था बस ये मगरमच्छ। जी हाँ, मगरमच्छ। उस द्वीप में रहने वाले हर मगरमच्छ ने वहाँ के सिपाहियों को खा करके ये बता दिया कि ये विश्व की सबसे खतरनाक जगहों में से एक जगह है। अब हम बात करेंगे जॉर्जिया की ऑकफेनिको दलदल के बारे में। घासों के बीच में छुपा हुआ ये दलदल लगता है कि लगभग एक सपाट जमीन है, मगर इसके बीच जाने के बाद ये दलदल आपको खींच लेगा। और मैं बता दूं आपको कि इस दलदल से निकलना नामुमकिन है, यानी कि अपनी मौत को आप खुद देखेंगे सामने। साथ ही इस दलदल के बीच में से निकलने वाले कुछ घरेलू छोटे मोटे कीट पतंगे जैसे कि मच्छर, सांप, बिच्छू आदि, ये इतने ज़्यादा जहरीले और घातक साबित हो रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए कि बस मानो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक जगह ये भी है। बात करेंगे जापान के माउंट फूजी के तट पर स्थित एक आहू की गहरो जंगल के बारे में। ये जंगल एक तरह से भुतहा जंगल है। इस जंगल का भुतहा होने का कारण यह है कि लोगों के लिए पसंदीदा जगह थी अपने आप को मौत के मुंह में धकेल लेने के लिए। मात्सुमोतो की एक बुक सी ऑफ ट्रीज, जो कि बहुत फेमस है इसी जंगल के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पे लोग आकर के अपनी आत्महत्या करते थे, मगर आपको जान के हैरानी होगी कि उस जंगलों में कुछ ऐसे डाकू चोर बैठे रहते थे जो कि उन लोगों को लूट लिया करते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि मात्सुमोतो का कहना यह था कि यहाँ पे लोग सामूहिक रूप से मरने के लिए आते थे। कभी 70 तो कभी 150 से ऊपर मिलने वाली लाशों में ये जाहिर करता है कि वहाँ पे कुछ लोग मर्डरर भी थे जो उन लोगों को लूट लेते थे जो वहाँ पे सुसाइड करने आते थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें चल दीजिए, धन्यवाद।